फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो वो हमारा Q&A वीडियो होने वाला है। काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो लाइनअप हैं, काफ़ी सारे वीडियो आपने जो है कमेंट किया है, क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं जो है एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ और आप उसमें सारे क्वेश्चंस के जो है वो जवाब दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस ले लूँ, अगर फिर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हुए तो हो सकता है कि कुछ छूट जाएँ, तो जो माफ़ कीजिएगा अगर आपके क्वेश्चन मैं ना ले पाऊँ इस वीडियो में सारे के सारे। कोशिश करूँगा सारे ले लूँ, अगर छूट जाएँ तो आप जो है इसी वीडियो जो मैं आप बना रहा हूँ इस वीडियो में कमेंट में आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी कमेंट आएंगे सारे के सारे कमेंट में जो है लूँगा और सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। दोस्तों चलते हैं, मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया और कमेंट सेक्शन में आ चुका हूँ। तो मैं पहला जो कमेंट देख रहा हूँ वो मिस्टर फनील देवादीगा, सॉरी अगर आपका मैंने नाम जो है वो गलत प्रोनाउंस किया हो, माफ़ी चाहूँगा। तो ये कहते हैं, सर आई एम वर्किंग इन CRPF एज अ हेड कॉन्स्टेबल, एज 41, ऑन सेप्टेम्बर इट विल बी 42, कम्प्लीटिंग 19 ईयर्स सर्विस, आई बी कम्प्लीटिंग 20 ईयर्स सर्विस आफ्टर 20 ईयर्स, आई विल टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट, आई कैन जॉइन क्रूज लाइनर, वॉट इज़ द लास्ट एज ऑफ CRPF पर्सनल। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने एज लिमिट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चैनल में जो है जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में एज के बारे में बताया, वैसे तो कोई एज लिमिट होती नहीं है अगर आप मेडिकली फिट हैं तो। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया उस वीडियो में, तो आप टेंशन ना लें मिस्टर फैनिल, तो आप जो है वो एज आपकी जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एक क्वेश्चन और था, सेम क्वेश्चन वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो उनका भी जो है यहाँ पे मैं सेम क्वेश्चन है उसका आंसर दे देता हूँ। ये है मिस्टर MG गोस्वामी, सर मैंने पैरामिलिट्री में 6 ईयर वर्क किया है, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। तो भाई मिस्टर MG गोस्वामी कोई दिक्कत नहीं है, आपने पैरामिलिट्री में काम किया है 6 साल, आपको एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है भाई कैसे ज्वाइन करना है। आपको क्या है कि मैंने कुछ कंसल्टेंसीज के नाम बताए हैं, डायरेक्ट जो क्रूज लाइन उनकी वेबसाइट पे जाके कैसे आप अप्लाई करोगे वो सब बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके भाई जो है वो वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे अप्लाई करना है। खाली आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन साइट्स पे और जो कंसल्टेंसी है उनकी साइट्स पे, और उनको ईमेल भी कर सकते हो, जो ईमेल आईडी उस पे ऑनलाइन दिया होगा, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आए तो ये भाई आपका यहाँ है, कमेंट करिएगा, जरूर बताऊँगा क्या दिक्कत आ रही है, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है मिस्टर राज का, सर आई ऑल्सो वॉन्ट टू जॉब एज अ हेयर ड्रेसर। ओके, तो आप स्पा ज्वाइन कर सकते हैं भाई साहब, जी हाँ, तो आप स्पा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करिए, वहाँ पे हेयर ड्रेसर रहते हैं, तो आप जो है सेम तरीका है, आप जो क्रूज लाइन की वेबसाइट पे जाइए या फिर जो है कंसल्टेंसी उनकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे स्पा में अप्लाई करिए। वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मिस्टर समर्थ सेट्टी जी का, इन विच वेबसाइट वी शुड सर्च क्रूज शिप जॉब, तो सेम क्वेश्चन है, हो सकता है नए आए इसलिए उनको पता नहीं है, तो भाई आपका भी आंसर सेम ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेना वेबसाइट वगैरह जो है आपको पता चल जाएगा। और मिस्टर अभिषेक गुरुंग जी का भी लगभग सेम सवाल है कि थैंक्स सर फॉर मेकिंग वीडियो, आई एम आर्मी पर्सनल, लर्न एनी सिक्योरिटी वैकेंसी प्लीज़, एंड ऑल्सो मेक वीडियो फॉर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हाउ कैन अप्लाई। ऑलरेडी बनाया हुआ है भाई मिस्टर गुरुंग जी, अभिषेक जी, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए, तो मैं सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। मिस्टर अभिषेक नाहर जी कहते हैं, सर ओनली एक्सपीरियंस नो क्वालिफिकेशन, क्या अप्लाई हो सकता है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि खाली एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो भाई इस केस में ये है कि आपको मिनिमम हाई स्कूल तो चाहिए ना, 10th पास तो होने चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे इनिशियली लेवल पे हो सकता है ये दिक्कत करें, जो कंसल्टेंसी के थ्रू जाओगे तो वो रिजेक्ट कर दें आपका एप्लीकेशन, ठीक है। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल मांगते हैं, 10th पास मांगते हैं, तो मिनिमम आपकी 10th होनी चाहिए, अगर आपकी 10th है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, जिस भी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है। सर रिजवान शेख जी कह रहे हैं कि सर ये रिटर्न क्रू को लेट ज्वाइनिंग क्यों दे रहे हैं? तो भाई ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यार क्रू मेंबर तो शॉर्टेज है, क्रू मेंबर जो है वो तो मारामारी चल रही है यार, क्योंकि बहुत सारे न्यू हायर आ रहे हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में शॉर्ट है,
मैन पावर है ही नहीं, तो आपको देना चाहिए आपका, अगर डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं तो उनको बुलाना चाहिए जल्दी जल्दी। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक चीज़ कि आप अगर रिटर्निंग हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, तो जो भी जिस भी आप क्रूज लाइन में आपने मेंशन नहीं किया किस में काम करते हैं, तो जिसमें भी आप काम करते हैं तो आपका कोई ऑनलाइन पोर्टल होता होगा जिसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते होंगे, या कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर बंदा होगा जिसे आप डॉक्यूमेंट भेजते होंगे भाई मैं रेडी हूँ, या मेल करते हो, तो आप अपने जो शेड्यूलर है ना उसको मेल करिए, या फिर जो लास्ट शिफ्ट थी उसके HR का आपका ईमेल आईडी हो या बॉस का हो डिपार्टमेंट, तो उसको ईमेल करिए। अगर शेड्यूलर का है तो वो बेस्ट है, शेड्यूलर को सीधा मेल करिए कि भाई मैं सो एंड सो हूँ और मैं रेडी हूँ ज्वाइन करने के लिए और मुझे बुलाइए, तो आप अगर वहाँ ईमेल कर दोगे तो बुला लेंगे डेफिनेटली। जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है नौसार, मिस्टर नौसार अहमद जी का, वो कहते हैं कि हाय सर, आई हैव 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज डिपार्टमेंट, सो कैन बी हैव विदाउट कोर्स। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि बिना कोर्स के क्या ये ज्वाइन कर सकते हैं, इनके पास खाली एक्सपीरियंस है। तो यार मुझे लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है जी, और क्योंकि अगर अच्छा एक्सपीरियंस है अच्छी नॉलेज है तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको रिजेक्ट करेंगे। तो अप्लाई करने में हर्ज क्या है, अप्लाई करिए और कोर्स जो है वो आप अपना दिखा दीजिए, जो भी हाई स्कूल इंटर जो भी आपने किया हो 12th पास और जो भी अगर ग्रेजुएट हो वो दिखा दीजिए, ये एजुकेशन है। बाकी का एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास रहेगा तो ज़्यादा अच्छा, जहाँ भी आपने 4 साल का एक्सपीरियंस लिया है, तो यार जो है वो आप अप्लाई ज़रूर करिए, सारी जगह डालिए और ऊपर वाला आपकी ज़रूर सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिस्टर कैलाश चौहान जी का, ये कहते हैं हेलो सर, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई बिकम केबिन स्टीवर्ड इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट वर्किंग एज हाउसकीपिंग स्टीवर्ड इन कोस्टा क्रूज यूरोप, हाउ मच कॉन्टैक्ट नीडेड फॉर बिकमिंग केबिन स्टीवर्ड। तो यार आप कह रहे हैं हाउसकीपिंग स्टीवर्ड में हैं आप और आपको केबिन स्टीवर्ड बनना है, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जो है जो पोजीशन है ना हाउसकीपिंग की वो डिफरेंट क्रूज लाइन में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो हमारे यहाँ शायद पब्लिक एरिया अटेंडेंट होता है, तो शायद तो उसके इक्विवेलेंट हो आपकी, आई एम नॉट श्योर। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ कि अगर कोई बंदा फ्रेशर आता है जो लैंड पे काम करता रहा है और उसने ज्वाइन किया है पब्लिक एरिया अटेंडेंट है, तो क्या होता है कि केबिन स्टीवर्ड बनने में ये डिपेंड करता है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो 2-3 कॉन्ट्रैक्ट 4 कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है आप स्टेट रूम अटेंडेंट और केबिन स्टीवर्ड जिसे कहते हैं तो वो आप बन सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है कोस्टा का तो यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आओगे तो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर, हो सकता है आपको डायरेक्ट दे दे केबिन स्टीवर्ड, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि यार 2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका हो जाना चाहिए, 1-2 कॉन्ट्रैक्ट के बाद, क्योंकि आपको अच्छी नॉलेज है ऑलरेडी, आपने हाउसकीपिंग में काम किया है, सो 2-4 कॉन्ट्रैक्ट में हो जाना चाहिए, तो आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको सैलरी अच्छी यहाँ मिल रही है दूसरी क्रूज लाइन में तो जाइए और ज्वाइन करिए, ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट जो है मिस्टर राजेंद्र अम्भोर जी, हम कहते हैं नाउ वैकेंसी हियर इन इंटरनेशनल, आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि हियर इंटरनेशनल में वैकेंसी हैं क्या। तो यार वैकेंसी हमेशा रहती हैं, आप रजिस्ट्रेशन जो है वो करके रहिए और अपना रिज्यूमे जो है वो अपलोड करके रखिए की साइट पे, और कॉल करके बीच बीच में हर 15 दिन में 10 दिन में या वीकली उनसे अपडेट लेते रहिए, कभी भी वैकेंसी आ जाती हैं। और यार आपको पता है इंडिया है तो काफ़ी लोग लाइन में होते हैं, तो लाइन अप रहता है, तो इसलिए आपको ज़रूर कॉल करना चाहिए उन्हें और ईमेल भी करना चाहिए, हो सके तो उनका डायरेक्ट जो उनके जो MD हैं जो भी हैं जो ऑनर हैं उनका अगर ईमेल आईडी आपको मिल जाए तो आप उस पर डायरेक्ट जो है वो ईमेल करिए। जो भी आप रिसोर्सेज आपको जो भी ईमेल आईडी मिलते हैं जो भी फ़ोन नंबर आप टाइम टू टाइम फ़ोन करते हैं यही सजेस्ट करूँगा। और यार ये मैं पर्सनली करता था क्रूज लाइन ज्वाइन करने से पहले, यार मैं तो क्रेजी था, पीछे पड़ा था, जहाँ भी मुझे जो भी नंबर मिलता था जो भी ईमेल आईडी मिलता था मैं सब पे करता था, बार बार करता था, हर 15 दिन में 10 दिन में ईमेल ठोकता रहता था। तो यार लगे रहो पीछे पड़े रहो, जॉब मिलेगी कहाँ जाएगी यार, जॉब तो मिल के रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर यादव जी, हाँ यादव जी का है, वो कहते हैं ब्रदर, आई हैव कंप्लीटेड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड आल्सो आई हैव 10 मंथ्स एक्सपीरियंस एज अ BMS इंजीनियर, आई हैव अप्लाइड इन RCL बिफोर 4 मंथ बट नॉट रिसीव एनी मेल येट एंड आल्सो अप्लाइड इन कार्निवल एंड ही गिवन इंटरव्यू दे टेल दैट यू हैव नॉट सफिशिएंट एक्सपीरियंस, व्हाट शुड आई डू दिस। सो कार्निवल में शायद आपका इंटरव्यू हो चुका है और उन्होंने कहा है कि आपको सफिशियंट जो है वो
एक्सपीरियंस नहीं है। जी हाँ, 10 मंथ्स वो यार वो कंसीडर नहीं करते हैं दादा, आपको क्या है कि एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है। और जिसने बोला है आपको कि सफिशियंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनसे थोड़ी सी और बात करो कि मैम सर जो भी है कि अगर मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लूँ तो आप कंसीडर करोगे क्या। तो आप जो है यार इस 10 महीने का जो एक्सपीरियंस है ना, 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाइए। अब आप कैसे दिखाओगे, आप समझदार हो, आप इसको 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाइए और आपका जो फील्ड है उसमें महारत हासिल कीजिए। महारत से मेरा मतलब है यार कि अच्छी खासी नॉलेज जो है वो गेन करिए कि जब आपका इंटरव्यू हो तो इंटरव्यूअर यार आपसे खुश हो जाए। तो 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाइए, कैसे दिखाओगे, आप समझदार हैं। क्वेश्चन आई गॉट इट फ्रॉम मिस्टर एंड्रन आइज़ैक इज आस्किंग अबाउट द I-95। गाइस, I-95 इट्स अ स्मॉल परमिट यू नो बिसाइड द वीजा। व्हेन यू गो टू द US, इफ यू वांट टू गो यू नो अशोर, यू नो इफ यू गो इन द सिटी डाउन टाउन, देन यू नीड अ परमिट, स्मॉल परमिट, दैट्स कॉल्ड I-95। इट्स सो ही इज आस्किंग हाउ लॉन्ग इट गोना टेक। सो व्हेन यू साइन ऑन यू नो ऑन बोर्ड After a week, you will get this permit. So, दोस्तों मिस्टर संदीप सिंह का कहते हैं, हेलो ब्रदर, सिक्योरिटी स्टाफ में ज्वाइन करना है क्रूज शिप में, प्लीज़ गाइड मी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है सिक्योरिटी में, प्लीज़ गिव मी एनी एजेंसी नंबर सो दैट दे कैन हेल्प मी आउट, और इंग्लिश कितनी रिक्वायर्ड होती है सिक्योरिटी कार्ड में। तो भाई संदीप जी, यार इंग्लिश थोड़ी सी चाहिए, आप कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो जो है अगला आदमी समझना चाहिए, और जो सामने वाला कह रहा है वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप कंफर्टेबल होना चाहिए यार, और इतनी हाई फाई नहीं होनी चाहिए कि आप नेटिव स्पीकर जैसे बोले, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ बहुत लोग आते हैं यार, इंडोनेशियन और हाँ फिलीपींस और काफ़ी लोग आते हैं, तो यार अदर अदर कंट्री से आते हैं तो वो नेटिव स्पीकर नहीं होते हैं, वो भी यार ऐसी इंग्लिश बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं। सो डोंट वरी, अगर आपको थोड़ा सा यू नो कम्फर्टेबल महसूस नहीं हो रहा तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो, आपका हो जाएगा। और हाँ, एजेंसी के बारे में आप पूछ रहे हो तो यार मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए, मैं वहाँ आपका जवाब दूंगा, बताऊंगा कौन कौन सी एजेंसी कहाँ ज्वाइन कर सकते हो और कैसे काम करोगे, ठीक है जी, तो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मिस्टर इम्तियाज जी का, वो कहते हैं सर, आई हैव क्वेश्चन दैट इज स्टिल आई एम वर्किंग ऑन कार्निवल क्रूज एज अ लॉन्ड्री अटेंडेंट, बट माई क्वालिफिकेशन इज BHM डिग्री एंड ऑल्सो 5-star होटल एक्सपीरियंस, सो नाउ माई यू नो माई क्वेश्चन इज दैट he want to change the department from laundry attendant to cabin steward. Okay, तो आप laundry attendant से cabin steward बनना चाहते हो, कार्निवल में अभी आप काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, यार आप कर सकते हो। अगर आप दूसरी जो है क्रूज लाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, और आपका यार जो कार्निवल है वो आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप वहाँ काम कर रहे हो। तो ऐसा होता है, इंटर डिपार्टमेंट जो है वैकेंसी आती हैं, आप जो है वो आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो, तो उसकी क्रॉस ट्रेनिंग होती है, क्रॉस ट्रेनिंग करके बाकी आपका तो सेम ही डिपार्टमेंट है, ज़्यादा फर्क थोड़ी है लॉन्ड्री अटेंडेंट और हाउस की, इट्स कम्स अंडर हाउस कीपिंग ओनली। तो जो लॉन्ड्री अटेंडेंट है वो हाउस कीपिंग के अंदर ही आता है, तो यार वहाँ वैकेंसी आती रहती हैं, तो आप उसमें स्विच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ काम नहीं हो रहा है तो चेंज द क्रूज लाइन, आ जाइए दूसरी में, कार्निवल से काफ़ी अच्छी अच्छी सैलरी रॉयल देती है। जी हाँ, आइए रॉयल में, मोस्ट वेलकम। यार एक जो कमेंट है वो मिस्टर सोनू कालरा जी का है, कहते हैं बिल्कुल मज़ा नहीं आया वीडियो सुनकर, एक वीडियो डाली थी मैंने आई मिस कनेक्टिंग फ्लाइट, तो ट्रैवल टिप्स के ऊपर। तो यार आपका भी धन्यवाद कि आपने एटलीस्ट मेरा वीडियो तो देखा यार, और आपका जो भी आपने रिव्यू मुझे दिया है, तो फीडबैक दिया है, तो थैंक यू फॉर दैट। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो डिलीवर कर सकूँ, और मेहनत करूँगा। सो थैंक यू सो मच मिस्टर सोनू कालरा जी, जो आपने फीडबैक दिया। ये जो अब मैं जो ले रहा हूँ वो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और कमेंट बहुत सारे हैं, तो प्लीज़ यार बुरा मत मानिएगा, आपके जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी वीडियो में सॉरी कमेंट करके पूछ लेना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूँगा। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों वो है मिस्टर अभी का, वेल सर आई टॉक टू यू ऑन इंस्टाग्राम, आई डिड NCC एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई एम वर्किंग एज सिक्योरिटी सुपरवाइजर फॉर लास्ट 2 ईयर्स, आई एम परसुइंग एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्स, देन सर प्लीज गाइड मी व्हाट
डू फॉर कूल जॉब, आपको कुछ नहीं करना है यार, आप तो ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है, आप बोल रहे हैं एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर आप काम कर रहे हो 2 साल से और आप कोई इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में डिप्लोमा कर रहे हो, तो अच्छी बात है, पढ़ाई जारी रखनी चाहिए हमेशा, पढ़ते रहिए और आपको कुछ नहीं करना है, 2 साल का एक्सपीरियंस ही चाहिए, तो आप अप्लाई करिए यार ऑनलाइन, जितने भी सारी जो क्रूज लाइन्स हैं वो उसमें अप्लाई करिए, और जो है जितनी भी कंसल्टेंसी है इंडिया में उनमें अप्लाई करिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है वो देख लीजिएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है जी, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे अप्लाई करना है क्या करना है, तो आप अप्लाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं हम समाप्त, और आपके जो क्वेश्चंस रह गए हों वो यार वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, आप इसमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो लव यू ऑल, जय हिंद, टेक केयर।